नमस्कार, आज मैं आपसे अपनी वो केस स्टडी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें महावास्तु के सिर्फ एक ही उपाय को अपनाकर होने वाली इंक्वायरी रुक गई। आपको यकीन नहीं हुआ ना? मुझे भी नहीं हुआ था। आइए जानते हैं सब कैसे हुआ। मेरे जान पहचान के अनिल जी, उन्होंने मुझे कॉल किया। वो बहुत ही घबराए हुए से और परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या दीदी, आप मेरी मदद कर सकती हो? मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, बताइए तो सही। उन्होंने बताया कि उनके एक परिचित की बहन है जिसे ट्रांसफ़र करवाना था, इसलिए इन्होंने अपने एक दूसरे परिचित से उसकी मुलाकात कराई। दोनों के बीच आपस में बातचीत हुई और लेन देन की भी बात हुई। कुछ समय बीत गया पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब वो इनकी जो परिचित की बहन है, वो इन्हें फ़ोन करके धमकी दे रही है कि ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं तो पैसे वापस कर दें, नहीं तो ये इंक्वायरी करवाएंगे पूरे ऊपर तक। मैंने इनसे कहा कि क्या आपने उन्हें समझाया नहीं? उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने कहा कि क्या आपके पास आपके घर का नक्शा है? अनिल जी ने कहा कि घर का नक्शा तो मेरे पास नहीं है और यदि अभी बनवाने लगा तो काफ़ी समय भी लग जाएगा, क्योंकि वो रायपुर से काफ़ी दूर रहते थे। मैंने उनसे कहा कि आप अपने मोबाइल पे चेक माई वास्तु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उन्होंने डाउनलोड कर लिया। मैंने उनसे कहा कि आप अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए और साउथ ईस्ट की दिशा में देखिए कि नीले रंग का वहाँ पर क्या है। पहले तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आया पर मेरे गाइड करने पर वे समझ गए और उन्होंने मुझे बताया कि साउथ ईस्ट की दिशा में ओपन एरिया है जहाँ पे शेड लगा हुआ है और वो शेड पूरे नीले रंग का है। मैंने उनसे कहा कि बस इस नीले रंग के शेड को ऑफ वाइट की कलर से पेंट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि बस इतना ही? मैंने कहा हाँ बस इतना ही। उन्होंने कहा कि क्या ये काम करेगा? मैंने कहा करके देख लीजिए। 4 दिन के बाद उनका कॉल आया और कॉल करते ही वो मुझे बार बार धन्यवाद कह रहे थे। मैंने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने उन्हें बताया कि नीले रंग के शीट को ऑफ वाइट कलर से पेंट करना है, वो तुरंत ही ऑफ वाइट कलर ले आए और उन्होंने दूसरे दिन सुबह सुबह ही पूरे शीट को पेंट कर लिया। 2 दिन बाद उनके परिचित की बहन से उनका मिलना हुआ और बातचीत हुई। बातचीत होने से अब वो समझ गई। अब उन्होंने कहा कि अब वो इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। अनिल जी का कहना था ये कैसे हुआ मेरे समझ में नहीं आया, क्या आपका महावास्तु ऐसे काम करता है? मैंने कहा कि जी हाँ, महावास्तु तो ऐसे काम करता है। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटे से उपाय ने होने वाली इंक्वायरी को रुकवा दिया। तो अब आप बताइए कि अब आप मेरी कौन सी केस स्टडी सुनना चाहते हैं और किस विषय में? इसके लिए आप मुझे www.mvtrainer.net पर लिखिए। धन्यवाद।